वेट कर रहा हूँ। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, दिस इज शुभम गर्ग एंड यू आर वॉचिंग लाइफ इन शॉर्ट। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड, और अगर आप अच्छे नहीं है तो आप अच्छे हो जाओगे क्योंकि आप जुड़ चुके हो मेरे साथ। टाइम हो रहा है 3:30, बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही सुपर वाला मौसम है, तो हल्की हल्की उमस थी वो है बस मौसम में। अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपने फ्रेंड का, अब लोग हम लोग जाएंगे आज हरिद्वार, जो भी हो जैसे भी हो मैं घुमाऊंगा आपको हरिद्वार में। हर की पैड़ी जाने को वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जो मेरे को पसंद आता है वो ये वाला रास्ता है। ये PHEL वाली जो रोड है उससे कनेक्ट होता है। ये वाले रास्ते में सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस रास्ते में जाते हुए बिल्कुल ऐसा फील होता है कि जैसे हम लोग कनेक्ट हो गए हो नेचर से, महसूस होती है अच्छी खुशबू। कवर हो जाता है और वो हर की पौड़ी ही जाके मिल जाता है। ये सब लोग इतना कुछ मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं यार। जितने भी ये प्रॉपर अच्छी रोड बनी हुई है तो ये सब इन्हीं लोगों की बदौलत बनती है, तो थैंक यू ये सब लोगों के लिए कि इतना सब कुछ मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत से इतनी प्यारी रोड बना के हम लोगों को देते हैं। और मुझे एक चीज़ अभी पता चली है, आज से ही सावन जो श्रावण मास है उसकी शुरुआत है, तो पता इसलिए नहीं थी कि क्योंकि ये रहता है ना यार, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चलती रहती है और इन चीज़ों का नहीं रख पाते हैं ख्याल। लेकिन मुझे अभी जस्ट रियलाइज़ हुआ, मेरे को फील ही आके हुआ कि यार श्रावण भी तो हम लोगों का स्टार्ट होने वाला था, और बहुत 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 फॉर्चुनेट वाली बात है, श्रावण का पहला दिन है, श्रावण मास स्टार्ट हो गया है और हम लोग माँ गंगे के पास हैं। जय हो माँ गंगे, सभी पर कृपा करना, सभी पर दृष्टि रखना, सभी खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहे, और मैं वीडियो बनाता रहूं आराम से बिना गिरे। ये अपना हरिद्वार का मार्केट है, ये लोकल मार्केट है। मेरा मन होता है कि कभी इसकी वीडियो बनाऊं, मतलब सामान लेते हुए या फिर कुछ ख़रीदारी करते हुए मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन कभी मौका नहीं मिलता है। अभी तो बस इसकी एक तुम झलक हल्की सी ले लो। जब मैं पहली बार इस मार्केट से आया था मुझे याद है मैंने हर एक दुकान को एक एक मिनट दस दस मिनट रुक के देखा था। आफ्टर स्नान वाली फीलिंग एक नंबर। ये देखो गंगा मैया का गिफ्ट। और एक महीनी दोनों जेबों में ना पूरा हो गया, और इतना भयंकर वाला हो गया क्योंकि क्या होता है ना, क्या है ऊपर पहाड़ों पे है बारिश हल्की हल्की, ठीक रहा है कि ऊपर बारिश हो रही है, तभी बारिश होती है तो ऊपर से फिर जो पहाड़ है वो कट के आते हैं, तो इसलिए बारिश बहुत रेत आता है, तो इसलिए कहा जाता है कि अभी मानसून के टाइम पे बहुत रेत आता है लेकिन मानसून के बाद में काफ़ी कम रेत आता है। अभी
एक मेरे को ध्यान में आया कि लेटेस्ट अपडेट दे दूं अपना जो हरिद्वार है, तो उसमें जैसे बाहर से जो लोग आ रहे हैं, तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उसमें प्रॉपर जो बॉर्डर है वहाँ पे चेकिंग हो रही है, हर चेक पोस्ट पे चेकिंग हो रही है। तो उसमें क्या है, RT-PCR रिपोर्ट मांग रहे हैं। तो मतलब मेक श्योर दैट यू हैव अ RT-PCR रिपोर्ट विद यू। उससे क्या होगा, सेफ्टी पर्पज़ है तुम लोगों के लिए भी, और यहाँ पे जितना भी वो चेक पोस्ट पड़ेगा उसमें दो चार जगह तो वो लोग ले ही लेंगे। तो मेन है कि वो अपने साथ कैरी करो, तब यहाँ पे आओ। तो बहुत बहुत सही मौसम हो रखा है, बहुत अच्छा फील आ रहा है नहाने के बाद में। और क्यों नहीं आएगा यार, गंगा मैया तो है ही ऐसी कि अपनी गोद में लेके वो खुद ही फ्रेश कर देती है। कोशिश करो कि जहाँ पे भीड़ कम हो वहाँ पे तुम लोग नहाओ, वहाँ पे तुम लोग वो जगह देखो जहाँ पे भीड़ कम हो, उसमें क्या होगा, तुम लोग थोड़ा महसूस भी कर पाओगे। तो बहुत ब्लेस्ड फील करो कि तुम यहाँ पे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, गंगा मैया में नहीं स्नान कर पाते हैं, लेकिन अगर तुम लोगों को यहाँ पे आने का मौका मिलता है तो एंजॉयमेंट के साथ साथ यहाँ पे आते ही तुम लोग फॉर्चुनेट महसूस करो। अभी देखो यहाँ पे थोड़ी अच्छी सिक्योरिटी भी है। आधे बोल रहा था कि कभी ये मार्केट नहीं घूमे, तो शायद ऊपर भगवान ने सुन ही लिया। अभी क्या हुआ, तब हम लोग नहाने के लिए गए तो बाइक को जस्ट बराबर में ही लगा लिया था। गंगा मैया की आरती होती है तो वहाँ पे बैरिकेडिंग हो गई, लेकिन वो लोग बाइक नहीं लेने दे रहे हैं। तो हम लोग, मैंने क्या अभी क्या डिसाइड किया है, तो अब कभी बाज़ार नहीं घूमता ऐसे पैदल, तो बाज़ार घूमते हैं। और मार्केट बड़ा प्यारा है इधर का, काफ़ी अच्छी चीज़ें और ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। बस वही आपको एक प्यारा सा ग्लिम्स देते हैं। फिर नॉर्मल बाजार में क्या होता है, नॉर्मल बाजार में तुम लोग घूमोगे तो तुम्हें थकान महसूस होती है, बोरिंग वाला फील भी आता है। लेकिन ये वाला घूमना, मतलब यहाँ पे घूमना भी एक अलग से एडवेंचर फील हो रहा है। अलग से एडवेंचर मतलब अच्छे नए नए लोग, नए नए दुकानें, काफ़ी कुछ दुकानों पे काफ़ी कुछ वैरायटीज जो कि तुम परचेज कर सकते हो, मतलब ये अच्छा है। अगर ऐसे तुम किसी भी टैप को खुला हुआ देखो तो मेक श्योर कि क्लोज इट, क्या होता है ना, पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। ये शायद बंद भी नहीं हो रहा, इतने चालू है। तो कोई प्लम्बर भैया अगर कुछ देख रहे हो तो इसको सही कराओ यार। होने को तो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है माँ गंगे की, लेकिन उसमें से फील तुम लोग कर सकते हो कैसे इतने इतने हजारों किलोमीटर इतनी दूर से गंगा मैया उत्पन्न होती है, लेकिन अब यहाँ पे आके भी पानी में वही शीतलता और ठंडक है। मेरे मन में यहाँ भी बहुत तगड़े गाने डालने का आइडिया आया, पर जो ये घंटी, घड़ियाल और माँ गंगे की आरती की आवाज़ है ना, इसको सुनने को लोग हजारों मील दूर से आते हैं। इसके आगे सभी साउंड इफ़ेक्ट फीके हैं, आप महसूस कीजिए, ये आपके मन को बहुत शांति देगी। मैं यहाँ बोल भी नहीं पा रहा था, मेरे पास शब्द ही नहीं थे, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था।
सच में बहुत अच्छा था वो। टाइम हो गया है 8:30, अब वे टू रूम। अच्छा रहा आज का ओवरऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। नहीं नहीं कुछ खिलाया तो मैंने तुम लोगों को है ही नहीं, तो ठीक है खा के सोना मेरे साथ। ये देखो इतना बड़ा चिल्ला, कितने खा जाओगे तुम ये बताओ जरा मेरे को।